अपने पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया और कभी कभार उनसे मिलने चला जाया करता था। एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आकर मिल लो। बेटा गया तो उसने देखा कि माँ बहुत बीमार है। उसने पूछा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने जवाब दिया, बेटा कृपया करके वृद्धाश्रम में पंखे लगवा दे, यहाँ पर एक भी पंखा नहीं है, और फ्रिज भी रखवा देना ताकि खाना खराब ना हो। कई बार मुझे बिना खाना खाए ही सोना पड़ा है। बेटा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, माँ आपको यहाँ इतना समय हो गया, आपने कभी शिकायत नहीं की, और आज बीमार हो तो आप मुझसे यह सब बता रही हो क्यों? माँ ने जवाब दिया, बात यह है बेटा कि मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम यहाँ पर यह सब सह नहीं पाओगे। दोस्तों, यह जीवन की सच्चाई है कि आप अपने माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेजते हैं तो एक दिन आएगा जब आपकी औलाद आपको यह दिन दिखाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने माँ बाप की जीते जी सेवा करें और उनका सम्मान करें। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।